Hello everyone, so you are finally IAST admission are now at the ending point. हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे बच्चे उदास भी हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं, एंड बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स खुश भी हैं, एंड देश के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब यू नो परेशानी की बात यह है आज की IAST जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर सीटें नहीं भर पा रही, इतने ज्यादा राउंड कंडक्ट किए जा रहे हैं, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेरेंट्स क्या IAST अच्छा नहीं है कि वहां की सीटें भर नहीं पा रही है, आखिरकार IAST की सीटें भर क्यों नहीं रही, बच्चे छोड़ के क्यों नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हैं यहाँ से, आखिरकार ऐसा रीजन क्या? यार आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे देश के रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसरो IAST जैसे रिमार्केबल इंस्टीट्यूट के ऊपर सवाल उठते हैं, वो भी ऐसे लोगों की वजह से जो कि लायक ही नहीं है एडमिशन लेने के लिए एट IAS, ठीक है? तो यार आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? आपका अगर ऐसा कोई भी मकसद नहीं है टू गेट द एडमिशन, देन आप सीट लेके उसको फिर से कैंसिल करके ना यूनिवर्सिटी को परेशान करें, ना लोगों को परेशान करें, या फिर ना ही उन बच्चों को परेशान करें जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? पहले राउंड से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने एक राउंड नहीं अब तक 14 राउंड निकाल दिए, अप्रोक्स 13 राउंड निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी सीटें खाली पड़ी है, फिर भी बच्चों को सीट अलॉट होती है, फिर भी बच्चे सीट कैंसिल कर, लेकिन नाउ द एंडिंग इज सून। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीप का जो IAST का जो एडमिशन प्रोसेस है वो नाउ एट द एंडिंग पॉइंट पे आ चुका है, बहुत सारे बच्चों को सीटें मिली भी है, बहुत सारे बच्चों को सीटें नहीं भी मिली, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया, ठीक है यार? दिस इज द यू नो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एंड आप लोगों को सीट अलॉट हुई है, आप फीस पे कीजिए एंड आपका प्रोसेस एंड हुआ। अब कुछ स्पेशल केसेस के अंदर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी क्वारी चलती है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ए क्वेश्चन, भैया आई हैव वेरी गुड स्कोर इन JEE एडवांस, आई हैव 140, आई हैव 135, माय स्कोर इज करेक्ट एट IAST बट आई नॉट रजिस्टर्ड, मैंने IAST में रजिस्टर ही नहीं किया, भैया मेरी इमरजेंसी थी, घर में ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत बड़ा इश्यू आ गया था, आई मेट एयरलाइन, हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो ब्लास्ट हो गया, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था, ऐसे यार बहुत सारे एक्सेप्शनल रीजन। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे रीजन फेक हो सकता है कुछ रीजन जेन्युइन भी होते हैं, देन एट दैट कंडीशन हम क्या कर सकते, क्योंकि हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर कोई बच्चा लायक है, अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर वो पढ़ता है, देश के लिए कुछ करता है, देन हो सकता है वो देश का आगे जाके प्रधानमंत्री बन जाए, अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर वो लायक है, अगर उसके नंबर है, अगर वो इलिजिबल भी है, देन ये तो चांस है ना कि हो सकता है वो देश का आगे जाके प्रधानमंत्री बन जाए, ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन इन 2019 केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाई वेन, जब एक IIT के बच्चे को, IIT बॉम्बे के बच्चे को एक सीट अलॉट होती है एंड बैंक के सर्वर इश्यू के कारण उसका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है एंड उसकी सीट कैंसिल हो जाती है क्योंकि पेमेंट जो है सक्सेसफुली IAST को नहीं हुआ था एंड बैंक का एरर आ गया था, एंड 7 दिन बाद बैंक ने जब रिफंड किया, देन बच्चा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई मेरी क्या गलती है, बैंक का सर्वर एरर था और इन लोगों ने मेरा सीट कैंसिल कर दिया, देन फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि भाई तुम्हारा रीजन की वजह से, ठीक है, इस बच्चे की अगर सीट कैंसिल हो रही है, अगर ये लायक है, अगर ये पढ़ने के लायक है, अगर इसके नंबर है, अगर ये रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, देन नो वरी, आप इसको नया सीट क्रिएट करके दो, एंड जब यार सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट दे देता है तो वो एक क्या बन जाता है, हमारे लोग का एक नियम बन जाता है। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा रीजन है जो जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल है कि भाई आपने रजिस्टर ही नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया IAST का, आपका पेमेंट हुआ नहीं, आपको एरर आ रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, भाई और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस है, हो सकता है JEE एडवांस के पेपर के टाइम पे आपका रिक्शा छूट गया हो सकता है आप बहुत ज्यादा बीमार हो, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, और भी घर में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो गई हो, ठीक है, देन नो वरी, मैं आपको सीट नहीं दे सकता, लेकिन यार यूनिवर्सिटी का जो है डायरेक्टर होता है, वाइस चांसलर होता है, ठीक है, और भी उसके अंदर डिपार्टमेंट होता है, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एट एक्सेप्शनल केस यू नीड टू फाइल एन application to the registrar, to the university director, to the IAST director, or like that, जो भी ये सिर्फ IAST के लिए नहीं है, this is for all the educational institute, अगर आपके करियर का सवाल है, अगर आप रियल में लाइक है, अगर आप सच में इलिजिबल है, then you are इलिजिबल टू गेट द एडमिशन एट स्पेशल केस, बस आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा कि ये ऐसा केस था, ये इसके प्रूफ है, ये एविडेंस है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे नंबर है, अगर आपको अप्रूवल मिलता है देन यू आर इलिजिबल
फॉर गेट द एडमिशन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वी सजेस्ट दैट कि यार ऐसे ऐसा प्रोसेस हो सकता है, आप ऑफलाइन अप्रोच कर सकते हो, ऑनलाइन का यार वही प्रोसेस है, जिन जो जो बच्चे लाइक थे उनको उन लोगों ने बुला लिया है, ठीक है। अब आप भी लाइक है, आप छूट गए थे, देन नो वरी, आप शोकेस करो ना अपने आप को कि यार मैं बच्चा हूँ, जो कर रहे हैं जो लाइक है जो बच्चे वो करेंगे, जो रॉकेट बनाएंगे आप भी रॉकेट बनाओगे, इसमें क्या डिफरेंस है। बट अगर आप इलिजिबल हैं तो आप इलिजिबल हैं, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो लायक होगा, ओके। अगर आप इलिजिबल है देन रेज योर वॉइस, फाइल योर एप्लीकेशन, और भी आपको अगर कोई इश्यू है देन आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अवर टीम कैन हेल्प यू टू हेल्प योर इश्यूज, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा पेट टूट गया था और लोकल डॉक्टर से जाके फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल है, भैया हमको जोसा में अलॉट नहीं हुआ, हमको सीएसएबी में क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वॉन्ट टू डू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्या मेरे को कोई इंस्टीट्यूट मिल सकता है। अच्छा आईएएसटी तो नहीं मिला भैया, जई एडवांस तो चला गया, और कहां पर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई वॉन्ट टू बिकम ए स्पेस इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम ए रॉकेट साइंटिस्ट, और कहां कहां पर ऑप्शन है भैया, ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कहां पर मिलेंगे हमको, क्या हमको भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है क्या। हाँ, ज्वाइन तो इसरो को ही करने का है, आईएएसटी तो नहीं मिला, चलो ठीक है, क्या और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां से मैं पढ़ के इसरो डायरेक्टली प्लेसमेंट कर ले है, और इसरो में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ, आई कैन अप्रोच गेट द एडमिशन। अगर सच में आपका ऐसा कोई सिचुएशन है देन यू नीड टू राइट द एप्लीकेशन टू योर डायरेक्टर, योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगर आपकी कॉलेज में सुनवाई नहीं होती है देन आप डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड अगर वहां पे भी कुछ नहीं होता है देन आप वीसी ऑफिस में जा सकते हो, वाइस चांसलर, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन एक वाइस चांसलर की होती है, एंड उसके हाथ में रहता है कि वो एक नहीं 100 बच्चों को भी पढ़ा सकता है अपने कॉलेज में, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में सिर्फ 60 सीटें हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहे, अगर उसके पास एप्लीकेशन हो और अगर उसका मूड ठीक हो, वो 200 बच्चों को भी एडमिशन दे सकता है, अगर आपका केस जेन्युइन है, अगर आपका रीजन है, अगर आप इलिजिबल है। अब यार ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे लोग कॉल करते हैं कि भाई हमको एडमिशन चाहिए, हमको डायरेक्ट एडमिशन करा दो। अब कोई गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कट ऑफ 94% आ रहा है, अगर आपका 60% पे 70% पे एडमिशन हो भी जाए तो क्या आप बच्चों से कम्पिटिट कर पाओगे, क्योंकि आप ही की क्लास के बच्चे 10 में से 9 नंबर लेकर आ रहे हैं और आपके 4 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं। जब भी प्लेसमेंट ऑफिसर आता है प्लेसमेंट करने के लिए देखता है यार इसके स्टेटिक्स इतने बेकार कैसे हैं, है? ये तो एलिजिबल ही नहीं नौकरी के लिए, इसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपका जो एक्चुअल में मीडियम वही था, क्योंकि प्रोफेसर तो उनके हिसाब से पेपर बनाएगा, यूनिवर्सिटी के लेवल के हिसाब से पेपर बनाएगा, राइट। और क्या प्रोसेस एडमिशन का, ये तो एक्सेप्शनल केसेस में था, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन का ही प्रोसेस है, जैसे जो रीफ वाला जो कॉलेजों को डेटा देता है ना, तो रीफ आपको बोल देता है कि भाई आपके इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, एंड आपकी डिटेल कॉलेज के पास चली जाती है, कॉलेज के पास बेसिकली कोई डिटेल नहीं जाती, रीप आपको एक लेटर दे देता है, आप वो लेटर लेके कॉलेज के पास जाते हो कि भाई मेरा एडमिशन रीप के थ्रू आपके कॉलेज में हुआ है, कॉलेज वाले आपका लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में बच्चे जाते ही नहीं, भाई मेरे को तो कॉलेज बेकार लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, ये सब लाइक दैट, राइट। तो फिर क्या करते हैं, वो सीटें बच जाती है वहाँ पे, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कॉलेज से बात करते हैं, भाई क्या क्या तेरे पास सीट बची, क्या हाँ हाँ बची तेरे पास सीट, कॉलेज बोलते हैं हाँ बची, तो हम जाके डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि सीटें वेकेंट है, ठीक है। एक तो वो सीटें वेकेंट है, वो डायरेक्ट एडमिशन हो गया, वो भी पूछते हैं भाई इतनी रैंक है इतनी वाले को दूंगा, ऐसा वैसा वो बैठे रहते हैं मास्टर प्रोफेसर चश्मा लगा के वहाँ पे, वो आपको सीट दे देते हैं। और दूसरा रीजन वो एक्सेप्शनल केसेस वाला था, वो मैंने आपको बता दिया, वो एक जेन्युइन रीजन आपका है तो ही आप कोशिश करें, वरना बिना किसी बेकार फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आप जो है किसी इलिजिबल बच्चे की सीट ना छीने, ठीक है। तो यार ये सारा का सारा प्रोसेस था डायरेक्ट एडमिशन का, और ये प्राइवेट कॉलेजों में भी वही सीन रहता है डायरेक्ट एडमिशन का, कुछ कुछ सीटें रहती है, मैनेजमेंट भी आपके लिए कुछ कर सकती है, और लाइक दैट ऐसा मतलब होता चलता रहता है, ठीक है। नोबरी आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा यार आप लोगों का, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बहुत ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बार रीप राजस्थान में, सिर्फ 16,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से जो सीटें भरेगी वो अप्रोक्स 7,000 सीटें भरेगी, 20-22,000 सीटें हमेशा की तरह इस बार भी खाली रहेगी, और बेस्ट ऑप्शन आप लोग जो है पंजाब की तरफ जा सकते हो, अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। और भी अगर आपको अगर सीटें अलॉट नहीं हो रही है, आपके मार्क्स कम है, आपकी रैंक कम है, देन आप हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस, हमारे पेड काउंसलिंग प्लान्स एंड और भी बहुत सारे हमारे प्लान्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे हमारी टीम हेल्प करती है टू प्रोवाइड ए सस्टेनेबल एट रीजनेबल एट वेरी गुड प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के साथ
बहुत ही अच्छा बढ़िया एंड लस ग्रीन गवर्नमेंट कॉलेज एट योर रैंक, चाहे वो राजस्थान हो चाहे आउट ऑफ राजस्थान हो, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट हम अलॉट करा सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेजों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी नॉलेज अच्छी है, पिछले 5 साल की हमारी मेहनत आपके करियर में कुछ कर सकती है, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट दिला सकती है, तो फिर आप हमारी पेड काउंसलिंग प्लान्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट विद द बेस्ट प्लेसमेंट विद द बेस्ट एंड बेस्ट गाइडेंस के साथ। और फम्मा गणी सा, और भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर धरिया। एंड ऑल्सो यार, ये लाइक वाले बटन से क्या तुमको दुश्मनी है, उसको भी दबाई दो या डिसलाइक वाला दबा दो, कुछ तो करो और कमेंट बॉक्स में लिखा करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वीडियो की रीच आगे बढ़े। ठीक है, तो यार यही डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस था। डोंट वरी, वीसी वाला प्रोसेस जो है ना वो बहुत बड़ा तगड़ा हेक है, आप उसका जरूर से ट्राई कर सकते हो। नो मिसयूज प्लीज, आप इसको मिसयूज ना करें। अगर आपका जेन्युइन केस है देन तभी आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा है रीजन कि भाई हम तो दौसा से हैं, हम तो करौली से हैं, हम तो आउट ऑफ राजस्थान से, हम कैसे विजिट करें, क्या विजिट करें, क्या नहीं विजिट करें, कहाँ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है, देन उसके लिए हमारी एक विजिटिंग टीम भी रहती है जो आपके लिए काम करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, काफी रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर आपके लिए सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए। आईएएसटी में तो नहीं हुआ, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट में तो हो सकता है। देन उसके लिए मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? नो वरी यार, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम रन